भैया भारतीय जनता पार्टी। तो दीदी परसों रात में घनश्याम भैया का हो गया था, बड़ा हड़बड़ा के घूम रहे थे। घनश्याम भैया का ढूंढना पड़ेगा भैया, कहाँ हमारे घनश्याम भैया? नहीं 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 दादाजी, हमको इतना लट्ठ मारेंगे कि हम भाग भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम उनको घनश्याम भैया ही बुलाएंगे। अरे हमारे घनश्याम भैया ये बैठे हुए हैं सामने, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो क्या हुआ दादाजी, हम रोड से जा रहे थे और हमको घनश्याम भैया वहाँ मिले, तो बड़े हैरान परेशान घूम रहे थे। हमने कहा घनश्याम भैया क्या हुआ, तो बोले कहा बताए मैडम जी, हमारी बीबी का पेट दर्द कर रहा है। अच्छा, काहे को उनकी बीमारी हो गई थी का? नहीं, बीमारी के बारे में तो नहीं बताए थे, वो हमसे बताए थे कि हमारे बीबी को बच्चा होने वाला है। अच्छा, तो हमने कहा ये तो खुशी की बात है भाई, बच्चा होने वाला तो खुशी की बात है। तो बोले कहा बताए मैडम जी, न तो रोड है, न गाड़ी है और न कोई सहारा है। तो हमने कहा कि घनश्याम भैया तुम परेशान ना हो, हमारे यहाँ रोड भी है, गाड़ी भी है और हर कोई मदद भी करता है। तो भैया आप लोग परेशान ना हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी में घर से बाहर निकलते रोड यहाँ से बाहर। अच्छा दीदी, अरे देखा ये सब हुआ कैसे आपको पता है? भाई हमारे सतन साहब जी के लिए जोर से दीदी, ये सब हुआ कैसे पता है आपको? हाँ, अच्छी सड़कों के कारण हुआ ये सब। अच्छा अच्छा तो भैया हमने 108 को फोन लगाया, 10 मिनट के अंदर गाड़ी आई और हमारी भाभी जी को अस्पताल ले गई। और दूसरे दिन जब घनश्याम भाई को पता चला कि बेटा हुआ है, तो भैया खुशी के मारे और ब्लेसिंग मिठाई बांट रहा है। पहले सड़क नहीं थी का? अरे पहले के जमाने में तो पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। क्या भैया सही बात है, पहले रोड नहीं बनी थी यहाँ क्या? रोड नहीं थी, बोलिए नहीं थी, नहीं थी, बोल सकते हैं आप? तो यानी जो आज ये हमारे घनश्याम भाई को सुविधा मिली है ये सब गाड़ी की, तो रोड के कारण ही सुविधा मिली। अगर रोड नहीं होती तो शायद गाड़ी नहीं आती, और गाड़ी नहीं होती तो हमारे घनश्याम भैया बहुत परेशान हो जाते। सही बात है भैया, गाड़ी आती है सबके लिए? हाँ आती है, 108 एम्बुलेंस आती है, आती है। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। घनश्याम भैया को लड़की हुई होती तो क्या होता? एक घर वहाँ बना, एक घर वहाँ, तो हर घर के लिए सरकार रोड नहीं बना सकती है। नहीं तो अगर इकट्ठा घर बस्ती बने तो रोड बन सकती है। अब एक घर यहाँ है तो हर घर की